परिचय। अच्युता, क्या तुम्हें पता है कि ग्रीक में एंजियोन का अर्थ आवरण तथा स्पर्मा का अर्थ बीज होता है? अंडाशय के भीतर बीजांड की उपस्थिति आवृत बीजी पौधों की विशेषता होती है। ये पुष्पी पादप हैं जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। हाँ, वे वर्तमान में सर्वाधिक प्रभावी पौधे हैं। इनके अंतर्गत उच्च पादपों का एक विशाल समूह होता है। ग्रीक में मॉर्फोस का अर्थ है आकार या रूप तथा लोगोस का अर्थ है आकारिकी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधे के बाह्य गुणों तथा रूपों का अध्ययन किया जाता है। जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुष्प और फल भी होते हैं। तो आओ अपने इस नए पाठ में पुष्पी पादपों की जड़ों की आकारिकी के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म को परिभाषित करना, पौधे के विभिन्न भागों का पता लगाना, आकारिकी को परिभाषित करना, जड़ों यानी मूलों के गुणों का पता लगाना, जड़ यानी मूल तंत्र के प्रकारों का अध्ययन करना, जड़ों के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करना, मूसला जड़ तंत्र के रूपांतरणों को पहचानना, अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरणों का पता लगाना, सक्रिय कार्यों के लिए रूपांतरणों का अध्ययन करना, जड़ों के कार्यों को समझना, जड़ें यानी मूल। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है। ये अधिकतर भूरे रंग की होती हैं। जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। जड़ की शाखाएं आंतरिक क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये अंतर्जात होती हैं। पौधे में अनेक क्रमों में पार्श्वीय जड़ें पाई जाती हैं, जो कि द्वितीयक जड़ें अथवा तृतीयक जड़ें कहलाती हैं। लगभग सभी द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ मूलांकुर का प्रत्यक्ष दीर्घीकरण होता है। सिरे पर जड़ एक सुरक्षात्मक संरचना जिसे मूल गोप कहते हैं, इसके द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। जलीय पौधों में संतुलन के लिए जड़ धानियां पाई जाती हैं। जल तथा खनिजों के अवशोषण के लिए जड़ में एक कोशिक मूल रूम गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। जड़ तंत्र के प्रकार। पौधों में तीन प्रकार के जड़ तंत्र पाए जाते हैं, मूसला जड़ तंत्र, तंतुक जड़ तंत्र, अपस्थानिक जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र वो जड़ जो अपनी शाखाओं के साथ मूलांकुर से विकसित होती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। द्वितीयक जड़ें मूसला जड़ से विकसित होती हैं, उदाहरण गाजर। तंतुक जड़ तंत्र एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ें कम समय तक जीवित रहती हैं तथा अधिक संख्या में जड़ों द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं। ये जड़ें तने के आधार से विकसित होती हैं तथा तंतुक जड़ का निर्माण करती हैं, उदाहरण गेहूं। अपस्थानिक जड़ तंत्र कुछ पौधों में जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों से उत्पन्न होती हैं। ऐसी जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं, उदाहरण घास, मोनेस्ट्रा तथा बरगद का पेड़। जड़ के क्षेत्र मूल के शीर्ष की अनुप्रस्थ काट करने पर निम्न क्षेत्र प्रदर्शित होते हैं। मूल गोप क्षेत्र विभज्योत की कोशिकाओं का क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र,
परिपक्व क्षेत्र, मूल गोप क्षेत्र, जड़ का शीर्षस्थ क्षेत्र पतली भित्तियों वाली कोशिकाओं की एक सुरक्षात्मक संरचना से ढका होता है, जिसे मूल गोप कहते हैं। मूल गोप की कोशिकाएं म्यूसिलेज स्रावित करती हैं, जो मृदा को चिकना बनाता है, जिससे जड़ की वृद्धि होती है। मूल गोप मृदा में जड़ के विस्तार में भी सहायक हैं। विभजयोद की कोशिकाओं का क्षेत्र, मूल के सिरे पर सक्रिय विभाजित कोशिकाएं एक छोटे क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। इस क्षेत्र के केंद्र में स्थिर केंद्र स्थापित होता है, जो कि निष्क्रिय कोशिकाओं अथवा कम कोशिकीय क्रियाविधि वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मूल सिरे का शीर्षस्थ विभज्योतक तीन क्षेत्रों से मिलकर बना होता है, त्वचाजन यानी डर्मेटोजन। कोशिकाओं की बाह्य परत, जो कि बाह्य त्वचा तथा मूल गोप का निर्माण करता है, वल्कुटजन। ये त्वचाजन यानी डर्मेटोजन के अंदर स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं विभक्त होकर बल्कुट का निर्माण करती हैं। प्लूरोम, ये शीर्षस्थ विभज्योतक की सबसे आंतरिक परत होती है, जो कि रंभ बनाती है। इसकी कोशिकाएं विभक्त होकर फ्लोएम तथा जाइलम अवयव बनाती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र, इस क्षेत्र की कोशिकाएं जल को अवशोषित करती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र में ये बढ़ती हैं। मूल रोम क्षेत्र, मूलीय त्वचा की कोशिकाएं विस्तार करके एक कोशिक रोमों का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण में भाग लेता है। जड़ों के रूपांतरण, पादपों की मूल, पानी तथा खनिज लवण के अवशोषण तथा संवहन के अतिरिक्त भी अन्य कार्यों को करने के लिए अपने आकार तथा संरचना में रूपांतरण कर लेती हैं। वे भोजन संचय करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं। मूसला जड़ों के रूपांतरण, मूसला जड़ें निम्न प्रकारों में रूपांतरित हो जाती हैं। मांसल मूसला जड़, बीज पत्राधार अथवा बीज पत्राधार रहित मूसला जड़ भोजन का संचय करने के कारण फूल जाती हैं। ये जड़ें चार प्रकार की होती हैं। तर्क रूपी जड़, ऐसी जड़ें मध्य में चौड़ी तथा किनारों पर शुंडाकार होती हैं। इनकी आकृति तर्कों के समान होती है, उदाहरण मूली यानी रेफिनस सेटाइवस। शंकुरूप जड़, ये मूल आधार पर चौड़ी तथा सिरों पर पतली यानी शुंडाकार होती हैं, जिससे इनकी आकृति शंकुआकार प्रतीत होती है, उदाहरण गाजर। कुंभ रूपी जड़, ये आधार पर फूली हुई होती हैं तथा शीर्षस्थ क्षेत्र में अचानक पतली यानी शुंडाकार होकर कुंभ रूपी आकृति जैसी प्रतीत होती हैं, उदाहरण शलजम तथा चुकंदर। गांठदार जड़, ये अनियमित रूप से फूली हुई होती हैं, उदाहरण मिराबिलिस जलापा। शाखीय मूसला जड़, कभी कभी मूसला जड़ शाखीय हो जाती हैं तथा शाखाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार की जड़ें निम्न प्रकार की होती हैं। ग्रंथिल जड़, इस प्रकार में मूसला जड़ में विभिन्न शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं तथा शाखाओं के जोड़ पर कई छोटी छोटी अनियमित फूली हुई संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें मूल ग्रंथियां यानी जड़ ग्रंथियां कहते हैं। इनमें बड़ी संख्या में सहजीवी N2 स्थिरीकरण जीवाणु यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जड़ें फलियों या फलीयुक्त पौधों में पाई जाती हैं। श्वसन जड़,
ये श्वास वाली जड़ें भी कहलाती हैं। ये दलदलों या दलदली स्थानों में पाई जाती हैं, जहां पर की मृदा जलग्रस्त होती है और पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए पर्याप्त वायु उपलब्ध नहीं होती है। इस तरह के पौधों की द्वितीयक जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये श्वसनशूल यानी न्यूमेटोफोर भी कहलाती हैं। उदाहरण राइजोफोरा तथा सोनेरेटिया। प्राजननीय जड़। कुछ पौधों में एक नए पौधे के निर्माण के लिए मूसला मूल या उनकी शाखाएं अपस्थानिक कलियों में विकसित हो जाती हैं। उदाहरण शीशम पॉपलस इत्यादि। शलजम तथा शकरकंदी की अपस्थानिक जड़ें फूल जाती हैं तथा भोजन का संचय करती हैं। इन्हें प्रॉप जड़ें भी कहा जाता है। भोजन के संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। भोजन का संचयन यांत्रिकी सहायता तथा कुछ विशिष्ट या महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए अपस्थानिक जड़ें निम्न प्रकारों में रूपांतरित हो जाती हैं। गांठदार जड़ें, पुलिकित जड़ें, मणिकामय या मालाकार जड़ें, ग्रंथियुक्त जड़ें, चक्र चिन्हित जड़ें। गांठदार जड़ें, कमजोर तने की गांठ यानी पर्व से एक एकल अनिश्चित आकार की जड़ उत्पन्न होती है। उदाहरण शकरकंदी यानी आइपोमोया। पुलिकित जड़ें, गांठदार जड़ों का एक समूह यानी गुच्छा। उदाहरण डहिलिया, रुएलिया, एस्पेरेगस आदि। मणिकामय या मालाकार जड़ें, हार के मणिका की तरह जड़ यानी मूल नियमित अंतराल पर फूल जाती हैं। उदाहरण पातुलाका, भारतीय पालक और करेला। ग्रंथियुक्त जड़ें, जड़ें सिरों पर फूल जाती हैं। उदाहरण आम, अदरक। चक्र चिन्हित जड़ें, फूली हुई वलय की एक श्रृंखला। उदाहरण इपेकॉक। यांत्रिकी सहायता के लिए अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। सहारा जड़ें यानी प्रॉप मूल, स्तंभ के समान जो कि क्षैतिज वृद्धि करती हुई शाखाओं के एक बिंदु से निकलती हैं तथा नीचे की ओर लंबवत वृद्धि करती हैं। उदाहरण बरगद यानी फाइकस। अवस्तंभ जड़ें, पतली धागे के समान छोटी जड़ें जो कि मुख्य तने के आधारीय गांठ से वृद्धि करती हैं। उदाहरण मक्का, गन्ना यानी सेकेरम ऑफिसिनेरम, पाइन यानी पेंडनस रेसिमोसस। आरोही यानी चढ़ने वाली जड़ें, धागे के समान जड़ें जो कि गांठों तथा पोरियों से निकलती हैं तथा सहारा प्रदान करती हैं। उदाहरण चुकंदर यानी पीपर बीटल, काली मिर्च यानी पी नाइग्रम, मनी प्लांट यानी पोथोस ओरियस और जहरीली वृक्षलता यानी हेडेरा हेलिक्स। पुष्टा जड़, लंबे प्रतान वृक्षों के आधार से फूटने वाली मोटी जड़ें हैं जो कि अधिकतर वर्षा वन वृक्षों पर पाई जाती हैं तथा सहारे के साथ साथ अतिरिक्त पोषक पदार्थ प्रदान करती हैं। उदाहरण साल्मेलिया, पुराना बरगद का वृक्ष आदि। संकुचनशील जड़ें, जड़ों पर झुर्रियां पाई जाती हैं तथा ये सिकुड़ सकती हैं। उदाहरण केसर यानी क्रोकस, जिमीकंद यानी अर्बोफोफिलस सेटाइवस इत्यादि। प्लावी जड़ें, तने की गांठ यानी पर्व से वायु से भरे हुए वायु कोशयुक्त मोटी स्पंजी मांसल जड़ें निकलती हैं। उदाहरण जूसिया रेफिनस। पत्र जड़ें, जड़ पत्तियों के जख्मी पार्श्व से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण ब्रायोफिलम
कालनचोए, बिग्नोनिया इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए रूपांतरण। अधिपादपीय या आद्रता ग्राही जड़ें, ये एक विशिष्ट प्रकार की वायु में लटकी रहने वाली वायवीय जड़ है तथा नमी को सोखने के लिए मृत स्पंजी उदकों जिन्हें वेलामेन कहते हैं उनकी एक परत पाई जाती है। इनमें मूल गोप तथा मूल रोम नहीं होते हैं, उदाहरण वांडा, रॉक्सबर्गी आदि। समावेशीय या प्रकाश संश्लेषक जड़ें, हरी जड़ें जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्षम होती हैं, उदाहरण सिंघाड़ा यानी ट्रेपा बायस्पाइनोसा, गुर्जा यानी टिनोस्पोरा एसपी आदि। परजीवी या चूषकीय जड़ें, जड़ें चूषकों की सहायता से पोषक में प्रवेश करती हैं, उदाहरण डोडर यानी कसकुटा रिफ्लेक्सा। मूल कवक जड़ें, जड़ें कवकों के साथ जुड़ी होती हैं, उदाहरण चीड़ यानी पाइनस, बर्च यानी बीटुला आदि। जड़ शूल, जड़ें कठोर नोकदार संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं, उदाहरण एकेंथोराइजा, पोथोज आदि। प्रजननीय जड़ें, जड़ों में कायिक कलियां पाई जाती हैं, उदाहरण ट्राइकोजेंथीस, इपोमोइया आदि। जड़ों के कार्य, सहारा देना, जड़ें पौधों को मृदा में स्थिर रखती हैं, गुरुत्व तथा वायु के विपरीत ये वायवीय भागों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। जल तथा खनिजों का अवशोषण, जल का मूल रोम क्षेत्र जल को अवशोषित करने में सहायक है क्योंकि पतली भित्ति वाले नलिकादार मूल रोम मृदा के महीन अंतरालों में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। मृदा के जल में खनिज तरल सांद्रता में पाए जाते हैं। जड़ें मूल रोम तथा दीर्घीकरण क्षेत्र में अवशोषण करने के लिए आंशिक रूप से विशेषीकृत होती हैं। जल तथा खनिज का संवहन, जल तथा खनिज मूलिकाओं द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा मूल तंत्र के विभिन्न भागों से प्रारोह तंत्र तक संवहित किए जाते हैं। मृदा के कणों को बांधे रखना, अपनी शाखाओं तथा म्यूसिलेज श्रावणों के द्वारा जड़ें मृदा के कणों को अपरदन के बल के विरुद्ध बांधे रखती हैं। आर्द्रता ग्राही जड़ें, बरगद की नई प्रॉप जड़ें तथा अधिपादपीय जड़ें आद्र यानी नमी वायु में से जल को अवशोषित करने के लिए विशेषीकृत होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दालों तथा फलियों की ग्रंथियुक्त जड़ों में राइजोबियम स्पीशीज यानी प्रजाति के नाइट्रोजन स्थिरीकृत सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। वो फसल वाले पौधों के प्रोटीन मात्रा में वृद्धि करते हैं। वातन, श्वसन सूल अनेक कच्छीय पौधों में गैसों के विनिमय में भाग लेते हैं। इन कच्छीय पौधों की कब्जें तथा सहारे वाली जड़ें भी वातन में सहायक होती हैं। जड़ों में खाद्य पदार्थों का संचयन, सामान्य जड़ें पोषक तत्वों को कम संख्या में संचित करती हैं। कुछ जड़ें अधिक संख्या में पोषक तत्वों को संचित करने के कारण फूल जाती हैं, उदाहरण मूली, शलजम, चुकंदर, शकरकंदी, एस्पेरेगस, डहलिया, गाजर, ऑर्चिस, मोमोडिका तथा इपिकॉक। यांत्रिक सहायता यानी चिपकना या लिपटना, लिपटने एवं सहारे के लिए अनेक आरोहकों में एक या दो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, उदाहरण पान यानी तांबूल, टेकोमा और वृक्षलता यानी ईवी। चूषक जड़ें, ये परजीवी पौधों में पाई जाती हैं। जड़ें पोषक में प्रवेश करके जल तथा पोषण प्राप्त करती हैं, उदाहरण कसकुटा विस्कम। ऑक्सीजन का निष्कासन यानी निर्गमन, चावल तथा कुछ
जल थलचर पौधों की जड़ें ऑक्सीजन निष्कासित करती हैं, जो कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों के कार्यों तथा खनिजों की प्राप्ति को प्रभावित करती हैं। जड़ों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। ट्रेपा, टिनोस्पोरा, टेनियोफाइलम तथा पोडोस्टेमम की जड़ें हरे रंग वाली तथा प्रकाश संश्लेषक होती हैं। वे संपूर्ण पौधे के लिए जैविक पोषकों को संश्लेषित करती हैं। प्रजननीय जड़ें। अनेक जड़ें अपस्थानिक कलियां विकसित कर सकती हैं तथा कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। उदाहरण, पॉपुलर, डलबर्चिया, डहेलिया, शकरकंदी। जड़ों द्वारा सुरक्षा। जंतुओं तथा जल की अत्यधिक हानि से सुरक्षा के लिए कुछ पौधों में जड़ कंटक तथा जड़ शूल उपस्थित होते हैं। कवक मूल। कवक मूल ऐसी जड़ें हैं जो कि कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं। कवक जल तथा खनिज प्राप्त करने में जड़ों की सहायता करती हैं। क्या आप जानते हैं, मूल धानियां एक बार विलुप्त हो जाने के बाद पुनः उत्पन्न हो सकती हैं। मूल शीर्ष से मूल गोप लगातार उत्पन्न होता रहता है। पोडोस्टेमोन केवल जड़ों से निर्मित होता है। सारांश। आइए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पुष्पीय पौधों में प्रकृति, वास, आकृति, संरचना, आकार, पोषण की प्रणाली तथा जीवन अवधि में विभिन्नता पाई जाती है। पादप शरीर मुख्यतः जड़, तने तथा पत्तियों में विभक्त होता है। तना पुष्प तथा फलों को धारण करता है। तना पौधे का वायवीय भाग तथा जड़ भूमिगत भाग है। जड़ तंत्र दो प्रकार का होता है, मूसला जड़ तथा तंतुका जड़। मूसला जड़ द्विबीजपत्री तथा तंतुका जड़ एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। कुछ पौधों में जड़ भोजन संचयन, यांत्रिक समर्थन तथा श्वसन के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। परिचय। अच्छिता, क्या तुम्हें पता है कि जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधे में पुष्प और फल भी होते हैं। हाँ, जड़ों के गुण, उनके प्रकार, रूपांतरण और उनके कार्यों के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम तने के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तने के गुणों का पता लगाना, तने के प्रकारों का अध्ययन करना, घटे हुए तने के रूपांतरणों को पहचानना, तने के भूमिगत रूपांतरणों का पता लगाना, भूपृष्ठीय तने के रूपांतरणों का अध्ययन करना, वायवीय तने के रूपांतरणों का अध्ययन करना, तने के विशिष्ट रूपांतरणों का अध्ययन करना और तने के कार्यों को समझना। तने के गुण। तना अक्ष का बढ़ता हुआ भाग है जो शाखाएं, पत्तियां, पुष्प तथा फलों को धारण करता है। जब तना शैशव अवस्था में होता है तब वो प्रायः हरा होता है तथा बाद में वो काष्ठीय तथा गहरा भूरा हो जाता है। तना संवहनी पौधे की दो मुख्य संरचनात्मक अक्षों में से एक होता है। ये अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। अधिकांश पौधों में तने भूमि की सतह से ऊपर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में तने भूमिगत भी होते हैं। तना सामान्यतः गांठ तथा पोरियों में विभक्त होता है। गांठों में कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि करके एक या अनेक पत्तियां, पुष्पक्रम, शंकु या अन्य तनों का निर्माण करती हैं। तने पर कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि
अंतस्थ या कक्षीय हो सकते हैं। एक अपरिपक्व शीर्ष के साथ एक नवीन अविकसित प्रारोह पर एक वृद्धि बिंदु होता है, जो कि अनेक कसकर जुड़ी हुई कोमल पत्तियों से घिरा हुआ होता है। इन्हें कलिका कहते हैं। तने का शाखा विन्यास। तने के मुख्य अक्ष पर शाखाओं के व्यवस्थित होने की विधि को शाखा विन्यास कहते हैं। मुख्य रूप से शाखा विन्यास दो प्रकार का होता है, पार्श्वीय शाखा विन्यास और द्विभाजी शाखा विन्यास। पार्श्वीय शाखा विन्यास, जब शाखाएं तनों के किनारों से निकलती हैं तो ये पार्श्वीय शाखा विन्यास कहलाता है। ये शाखा विन्यास की वो विधि है जिसमें वृद्धि बिंदु द्विभाजित नहीं होता है। शाखाएं कक्षीय कली की गांठों से उत्पन्न होती हैं। ये दो प्रकार का होता है, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी, जब तना अंतस्थ कलिका द्वारा अनिश्चित वृद्धि करता है, मुख्य तने की पार्श्वीय शाखाएं अग्र अभिसारी अनुक्रम में शीर्ष की तरफ लगातार वृद्धि, पुरानी शाखाएं आधार की तरफ तथा नई शाखाएं शीर्ष की तरफ व्यवस्थित होती हैं। इस शाखन के परिणाम स्वरूप पौधा शंकु रूप या पिरामिड के आकार का दिखाई देता है। ससीमाक्षी, जब मुख्य तने की वृद्धि निश्चित होती है, मुख्य तना पार्श्वीय शाखा उत्पन्न करता है, जो कि मुख्य शीर्ष से अधिक शीघ्रता से वृद्धि करती है। इस शाखन के परिणाम स्वरूप पौधे का विस्तार होने लगता है तथा वो गुंबद के आकार का हो जाता है। ससीमाक्षी तीन प्रकार की होती है, एक शाखी ससीमाक्षी, द्विशाखी ससीमाक्षी और बहुशाखी ससीमाक्षी। एक शाखी ससीमाक्षी, इस प्रकार के ससीमाक्षी शाखा विन्यास में एक ही समय पर केवल एक ही पार्श्वीय शाखा उत्पन्न होती है। इसे एकल शाखित के नाम से भी जाना जाता है। ये दो भिन्न तकारों यानी घुमावदार तथा कुटिल को दर्शाता है। उदाहरण, विटिस विनिफेरा में शाखा विन्यास कुटिल प्रकार का होता है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं एकांतर किनारों पर विकसित होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। सारका में शाखा विन्यास घुमावदार प्रकार का होता है। इसमें पार्श्वीय शाखाएं एक ही किनारे पर विकसित होकर घुमाव बनाती हैं। द्विशाखी ससीमाक्षी, जब एक ही समय पर दो पार्श्वीय शाखाएं विकसित होती हैं तो उसे द्विशाखी या द्विशाखित कहते हैं। उदाहरण, धतूरा और कैरिसा। बहुशाखी ससीमाक्षी, जब एक ही समय पर दो से अधिक पार्श्वीय शाखाएं विकसित होती हैं तो उसे बहुशाखी या बहुशाखित कहते हैं। उदाहरण, यूफोर्बिया और क्रोटोन बॉन प्लांडिया। द्विभाजी शाखा विन्यास, जब अंतस्थ कली कांटेदार तरीके द्वारा दो द्विशाखित शाखाओं में विभाजित हो जाती है तो इसे द्विभाजी शाखा विन्यास कहते हैं। ये सामान्यतः अपुष्पियों तथा कुछ आवृत बीजी इनमें पाया जाता है, जैसे पाइन यानी पेंडेनस, क्लिनोगाइन यानी डिकोटोमा इत्यादि। तने का रूपांतरण, सामान्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए रूप में परिवर्तन करने को रूपांतरण कहते हैं। वास स्थान के आधार पर तने तीन वर्गों में रूपांतरित हो सकते हैं। तने का भूमिगत रूपांतरण, तने का भूपृष्ठीय रूपांतरण और तने का वायवीय रूपांतरण। तने का भूमिगत रूपांतरण, भूमिगत तने भूमि की सतह के नीचे स्थित होने के कारण स्वयं को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों तथा जंतुओं के आक्रमण से बचाते हैं तथा ये संचित भोजन के लिए भंडार गृहों की भांति तथा
कायिक प्रवर्धन में सहायक हैं। इनके तने प्रकृति में भेद, गांठ तथा पोरियों की उपस्थिति, गांठों पर शल्क पत्रों की उपस्थिति, शल्क पत्र के कक्षों में कक्षीय कलिकाओं तथा एक अंतस्थ कलिका की उपस्थिति के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भूमिगत तने चार प्रकार के होते हैं, प्रकंद, कंद, शल्ककंद तथा कॉर्म। प्रकंद। प्रकंद एक मोटा क्षैतिज वृद्धि वाला तना है जो सामान्यतः खाद्य पदार्थ को संचित करता है। इसमें गांठ, पोरियां, शल्क पत्र, कक्षीय कलिकाएं, अपस्थानिक जड़ें तथा एक अंतस्थ कलिका पाई जाती हैं। कक्षीय कलिकाओं को ढकने वाले शल्क पत्र तने के गांठ बिंदु से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जड़ें प्रकंद की निचली सतह से विकसित होती हैं, उदाहरण अदरक और हल्दी। कंद। कंद भूमिगत शाखा का एक फूला हुआ सिरा है जो कि निचली पत्ती के कक्ष से उत्पन्न होता है और मृदा में बाहर की तरफ क्षैतिज वृद्धि करता है। खाद्य सामग्री यानी स्टार्च के निक्षेपण के कारण प्रत्येक कंद अनियमित आकृति का हो जाता है। प्रत्येक कंद की सतह पर पत्तियों के अनेक निशान दिखाई देते हैं। पत्तियों के ये निशान ग्रे हुए शल्क पत्रों की छाप होते हैं। प्रत्येक पत्ती का ये निशान एक कक्षीय कलिका को घेरता है। कक्षीय कलिका के साथ पत्ती के निशान को आंख कहते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा आलू की ये आंखें नए पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, उदाहरण आलू। शल्क कंद यानी बल्ब। शल्क कंद में तना घट जाता है तथा छोटे चक्र सा दिखता है। कई अपस्थानिक जड़ें तने की निचली सतह से उत्पन्न होती हैं, उदाहरण प्याज, अदरक। प्याज, अदरक इत्यादि के शल्क कंद में आंतरिक पत्तियां मांसल जबकि बाहरी पत्तियां सूखी हुई होती हैं। इसे संकुचित शल्क कंद इसलिए कहते हैं क्योंकि संकेंद्री पणधार एक पूर्ण आवरण या कंचुक बनाता है। शल्क कंद की शीर्षस्थ कली प्रारोह का निर्माण करती है। कॉर्म। कॉर्म एक सीधे यानी लंबवत तने का फूला हुआ भूमिगत आधारी भाग होता है। ये फुलाव संचयित भोजन के संचयन के कारण होता है। इसमें शल्क पत्र तथा कक्षीय कलिकाएं पाई जाती हैं। वृद्धि की अवधि के अंत में फाइव ये भाग मृत हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में शीर्ष के समीप एक कक्षीय कलिका एक नए प्रारोह में विकसित हो जाती है जो कि पुराने कॉर्म में संचयित भोजन का उपयोग करती है। नया पौधा अपने आधार पर एक नए कॉर्म का निर्माण करता है, उदाहरण अरबी यानी कोलोकासिया और अमारफोफेलस। तने का भूपृष्ठीय रूपांतरण। कुछ पौधों में कायिक जनन के लिए भूपृष्ठीय तने रूपांतरित हो जाते हैं। भूपृष्ठीय रूपांतरण निम्न प्रकार के होते हैं, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तरी, चूषक तथा भूस्तरिका यानी ऑफसेट। ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी पार्श्वीय शाखा के रूप में तने के आधार से उत्पन्न होता है तथा मृदा की सतह पर फैलता है। ये गांठ तथा पोरियां विकसित करता है। प्रत्येक गांठ पर ऊपरी भूस्तारी नीचे जड़ तथा ऊपर पत्तियां उत्पन्न करता है। इस विधि से मात्र पादप से अनेक ऊपरी भूस्तारी निर्मित होते हैं तथा वे भूमि पर सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। यदि ऊपरी भूस्तारी के विलगन यानी पृथक होने में यदि कोई क्षति होती है तो टूटे हुए भाग एक स्वतंत्र पौधा बनाने की क्षमता रखते हैं, उदाहरण ऑक चेलिस, फ्रेक्रिया, सेंटेला
अस्टाटिका। भूस्तरी, भूस्तरी में पार्श्वीय शाखाएं पाई जाती हैं जो कि भूमिगत तने से निकलती हैं। भूस्तरी मृदा में दूरी बनाए रखने के लिए क्षैतिज दिशा से बाहर की तरफ वृद्धि करती हैं। अंततः उनका सिरा अंतस्थ कली यानी भूमि से ऊपर निकल आता है तथा एक नए पौधे में विकसित हो जाता है। ऊपरी भूस्तरी चूषक या कोई आराध्य शाखा जो कि जड़ों का निर्माण करती है भूस्तरी कहलाती है। उदाहरण अरबी यानी कोलोकासिया। चूषक एक पार्श्वीय शाखा जो कि भूमि की सतह के समीप से उत्पन्न होती है, भूमि के अंदर कुछ दूरी तक चलती है, अपने सिरों को मोड़ लेती है तथा एक नया पौधा उत्पन्न करती है, चूषक कहलाती है। उदाहरण क्राइसेनिथमम। भूस्तरिका यानी ऑफसेट। भूस्तरिका एक छोटी मोटी ऊपरी भूस्तरी जैसी शाखा है जो कि अपने सिरे पर एक नए पौधे का निर्माण करती है। भूस्तरिका जनक पौधे के मुख्य तने से सभी दिशाओं में वृद्धि करता है यदि इनकी इकाइयों के विलगन यानी पृथक होने में यदि कोई क्षति होती है तो प्रत्येक एक स्वतंत्र पौधा बनाने की क्षमता रखती है। उदाहरण पिस्टिया और आइकोर्निया। तने का वायवीय रूपांतरण। कुछ पौधों में विभिन्न विशिष्ट कार्यों को करने के लिए वायवीय तने का रूपांतरण होता है। वायवीय रूपांतरण निम्न प्रकार का होता है। फिल्लोक्लेट, क्लेडोट, तने के शूल, तने के प्रतान तथा बुलबिल। फिल्लोक्लेट। फिल्लोक्लेट अनेक पोरियुक्त एक चपटा तना है जो कि पत्ती की भांति कार्य करता है। नाकफनी यानी ओपनशिया में तना हरे रंग की चपटी संरचना में रूपांतरित हो जाता है जिसे फिल्लोक्लेट कहते हैं। फिल्लोक्लेट की सतह पर शूलों का गुच्छा बन जाता है। ये शूल कक्षीय कलिकाओं की रूपांतरित पत्तियां होते हैं। ये शूल न केवल पौधों की वाष्प उत्सर्जन की दर की जांच करते हैं बल्कि शाकाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं। फिल्लोक्लेट में अलग गांठें तथा पोरियां पाई जाती हैं। उदाहरण ओपनशिया। क्लेडोट एक या दो पोरियों वाले फिल्लोक्लेट को क्लेडोट कहते हैं। क्लेडोट का कोई उपयुक्त उदाहरण नहीं है क्योंकि रसकस तथा एस्पेरेगस जिनको अधिकतर क्लेडोट माना जाता है वास्तव में ये क्लेडोफिल्स होते हैं। क्लेडोफिल एक चपटी पत्ती सदृश तना होता है जो कि एक वास्तविक पत्ती समान छोटे पर्ण के शीर्ष से उत्पन्न होता है। तने के शूल। शूल एक कठोर सीधी तथा नुकीली संरचना होती है। शूल छोटे रूपांतरित तने होते हैं। बोगेनविलिया तथा दुरंता इनमें कक्षीय कलिका एक शूल में रूपांतरित हो जाती है। कैरिसा में अंतस्थ कलिका शूल के एक जोड़े में रूपांतरित हो जाती है। शूल कभी कभी पत्तियों पुष्पों तथा फलों को धारण करते हैं जैसा कि दुरंता तथा अनार में देखा गया है। शूल न केवल पौधों की वाष्पोत्सर्जन की दर की जांच करते हैं बल्कि शाकाहारियों से पौधों की रक्षा भी करते हैं। उदाहरण कैरिसा दुरंता और सिट्रस। तने के प्रतान। कुछ पौधों में प्रतान तने के रूपांतरण की भांति विकसित होते हैं। साइसस क्वाड्रान गुलेरिस में अंतस्थ कलिका एक प्रतान को जन्म देती है तथा पैसी फ्लोरा में कक्षीय कलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। बुलबिल। बुलबिल एक विशिष्ट बहुकोशिकीय पादप शरीर है जो कि जनन के लिए आवश्यक होती है। अगेव में पुष्प कलिकाएं बुलबिल में रूपांतरित हो जाती हैं। ये बुलबिल पृथक होकर मृदा के संपर्क में आ जाती हैं।
तथा एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। डायोस्कोरिया में कक्षीय कलिका बुलबिल में विकसित हो जाती हैं। ये बुलबिल मातृ पादप से पृथक होकर एक नए स्वतंत्र पौधे के रूप में वृद्धि करता है। तने के प्राथमिक कार्य। तने के कार्यों के प्रकार निम्न हैं: प्राथमिक या मुख्य कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य। तने का प्राथमिक या मुख्य कार्य पत्तियों, पुष्पों तथा फलों को पकड़कर रखना तथा उन्हें सहारा देना है। तना जल तथा खनिजों को जड़ों से पत्तियों, पुष्पों तथा फलों तक संवाहित करता है। पत्तियां तने से इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि वो मुख्य कार्यों जैसे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना तथा गैसीय विनिमय को करने में सक्षम हो जाती हैं। परागण तथा निषेचन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए तना पुष्प तथा फलों को धारण करता है। तने के द्वितीयक कार्य: सहनशीलता बढ़ाना। जिंजिबर, कुरकुमा तथा डायोप्टेरिस में भूमिगत तने पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में सहायता करते हैं। भोजन का संचयन। भोजन मृदूतक यानी पेरेन्काइमा कोशिकाओं तथा भूमिगत तनों जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम, अरबी यानी कोलोकासिया और अदरक में संचित होता है। आरोह की भांति। तने प्रतान, हुक, कांटे आदि में रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि पैसिफ्लोरा, बोगेनविलिया तथा विटिस फिनिफेरा में। प्रकाश संश्लेषण। ओपंशिया, एस्परेगस तथा रस्कस आदि की तरह जब तने फिल्लोक्लेड तथा क्लेडोड रूपांतरित हो जाते हैं, तब नवीन पत्तियों सदृश चपटे तने प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तने के द्वितीयक कार्य यानी कायिक प्रवर्धन। ऊपरी भूस्तरी जैसे घास में, भूस्तरी जैसे स्ट्रॉबेरी में, भूस्तरिका जैसे आइकोर्निया में तथा भूमिगत तने जैसे आलू अदरक में तने कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तने के द्वितीयक कार्य: चढ़ने से सुरक्षा करना। विकसित कांटों द्वारा तने पौधों को चढ़ने से बचाते हैं। क्या आप जानते हैं, काष्ठीय आरोहक यानी कंटकरोही या लता को लियाना के नाम से भी जाना जाता है। वायवीय तने का मोटे भाग को कूट बल्ब यानी स्यूडो बल्ब के नाम से भी जाना जाता है तथा ये ऑर्किड में जल तथा अन्य पदार्थों का संचय करते हैं। केले में अंताभूस्तारी चूषकों को सोड अंताभूस्तारी चूषकों के नाम से भी जाना जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रारोह तंत्र तने, पत्तियों, पुष्पों तथा फलों में विभक्त होता है। तने के मूलभूत आकारिकी लक्षणों के अंतर्गत गांठों तथा पोरियों, बहुकोशिकीय रोम की उपस्थिति शामिल है। तना धनात्मक प्रकाशा अनुवर्तक होता है। विभिन्न कार्यों जैसे भोजन का संचय, कायिक प्रवर्धन तथा सुरक्षा को करने के लिए तना रूपांतरित हो जाता है। परिचय। जब हम किसी पौधे का निरीक्षण करते हैं तब हम देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़ें, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। पौधों में पुष्प और फल भी होते हैं। जड़ों एवं तने के गुण, उनके प्रकार, रूपांतरण और उनके कार्यों के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम पत्ती के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पत्ती के गुणों का पता लगाना, पत्ती में शिरा विन्यास का पता लगाना, पत्ती के प्रकारों का अध्ययन करना, पर्ण विन्यास को पहचानना,
पत्ती के रूपांतरणों का अध्ययन करना, पत्ती के कार्यों को समझना। पत्ती पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने की गांठ यानी पर्व पर लगी रहती है। पत्तियां पौधों का वह अंग हैं जो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। इसके कक्ष में एक कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक यानी मेरिस्टम से निकलती हैं, जो कि बहुत छोटी समव्यासीय तथा पतली भित्तियों वाली होती हैं तथा अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। पत्ती के तीन मुख्य भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत, स्तरिका। पर्णधार पत्ती का सबसे निचला भाग होता है जिसके द्वारा पत्ती गांठ यानी पर्व से जुड़ी रहती है। पर्णधार के आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकली होती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। पर्णवृंत स्तरिका को सूर्य के प्रकाश की तरफ प्रदर्शित करता है। स्तरिका शिराओं तथा शिराकाओं युक्त पत्ती का एक चपटा, पतला, चौड़ा तथा फैला हुआ भाग होता है। मध्य की सुस्पष्ट शिरा को मध्य शिरा कहते हैं। स्तरिका के पार्श्व किनारों सिरों का निर्माण करते हैं तथा सिरा पत्ती के शीर्ष का निर्माण करता है। शिराओं में संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो कि भोजन, जल और खनिजों के संवहन के लिए चैनल यानी माध्यम की तरह कार्य करते हैं तथा स्तरिका के कंकाल के रूप में भी कार्य करते रहते हैं। शिरा विन्यास। स्तरिका में शिराओं तथा शिरिकाओं के व्यवस्थित होने तथा वितरण को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास के दो मुख्य प्रकार हैं, जालिका शिरा विन्यास, समानांतर शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास, जब शिराएं अनियमित रूप से वितरित होकर एक जाल का निर्माण करती हैं तो उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। समानांतर शिरा विन्यास, जब शिराएं स्तरिका के अंदर एक दूसरे के समानांतर स्थित होती हैं तथा जाल का निर्माण नहीं करती हैं तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों के प्रकार। काट तथा निशान के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, सरल पत्तियां, संयुक्त पत्तियां। सरल पत्ती, जब पत्ती की स्तरिका अच्छिन्न होती है लेकिन पिच्छाकार पत्ती में कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता अथवा हस्ताकार पत्ती के पर्णवृत्त के सिरे तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। संयुक्त पत्ती, जब पत्ती में स्तरिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्राकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। पर्ण विन्यास। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के व्यवस्थित होने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह पत्तियों के अभिविन्यास का परिणाम है जिससे कि वे प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक प्रकाश ग्रहण कर सकें। इसके तीन मुख्य प्रकार हैं, एकांतर या घुमावदार, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर या घुमावदार, प्रत्येक गांठ यानी पर्व पर एक एकल पत्ती एकांतर के रूप में निकलती है, उदाहरण गुड़हल। सम्मुख, प्रत्येक गांठ या पर्व पर पत्तियों का एक जोड़ा निकलता है तथा ये परस्पर सम्मुख या विपरीत स्थित होती हैं, उदाहरण कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी ओक। चक्करदार, जब एक ही गांठ पर्व पर तीन या अधिक पत्तियां निकलती हैं तथा एक चक्र या गोले में पाई जाती हैं, उदाहरण नीरियम, कनेर, ओलियंडर। पत्ती के रूपांतरण, प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिए पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, प्रतान, शूल यानी कांटे, भोजन संचय। प्रतान,
प्रतान हरे रंग की धागे जैसी संरचनाएं हैं जो कि स्पर्श के लिए संवेदनशील होती हैं और सहारे के चारों ओर कुंडलित होने की क्षमता रखती हैं। उदाहरण मटर, स्मिलैक्स, ग्लोरियोसा आदि। शूल यानी कांटे। शूल पौधों को चरने वाले जंतुओं से रक्षा करते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन के क्षेत्र को कम करते हैं। उदाहरण ओपेंशिया, एलो आर्जमोन आदि। भोजन संचय। एलियम सीपी की पत्तियों में भोजन संचित होता है। एलो तथा पार्तुलाका में जल, म्यूसिलेज तथा भोज्य पदार्थ के संचय के कारण पत्तियां मांसल तथा रसदार हो जाती हैं। पत्तियों के कार्य। पत्तियों के कार्यों के प्रकार निम्न हैं: प्राथमिक या मुख्य कार्य, द्वितीयक या सहायक कार्य। पत्तियों के प्राथमिक कार्य। प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों का प्रमुख कार्य कार्बनिक भोजन का निर्माण करना होता है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्तियों की हरी कोशिकाएं होता है जिनमें पर्णहरिम पाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन। पत्ती की सतह से जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह आवश्यक है कि जल खंड में बल या विभव उत्पन्न किया जाए जिससे कि रस ऊपर चढ़ता है। गैसीय विनिमय। यह प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया के दौरान स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में होता है। पत्तियों के द्वितीयक कार्य। पर्णधार में भोजन का संचय। उदाहरण प्याज। मांसल पत्तियों में जल का संचय। उदाहरण ब्रायोफिलम एलो। सुरक्षा। पत्तियों का द्वितीयक कार्य। शूलों या कांटों में परिवर्तित होकर पत्तियां जंतुओं के चरने से पौधों की रक्षा करती हैं। उदाहरण ओपेंशिया यानी नागफनी तथा बारबेरी। ये पर्णाभ वृंत पर्ण विन्यास में रूपांतरित होकर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देती हैं। उदाहरण अकेशिया। जब ये प्रतानों तथा हुकों में रूपांतरित हो जाते हैं तब ये कमजोर तने वाले पौधों को चढ़ने में सहायता करते हैं। उदाहरण स्मिलेक्स। जनन। पत्तियों का द्वितीयक कार्य। पत्तियां पौधों की कारक बहुगुणन में सहायता करती हैं। उदाहरण ब्रायोफिलम। पत्तियों के द्वितीयक कार्य। पत्ती जब जड़ में रूपांतरित हो जाती है तब वह तैरने के लिए संतुलन बनाती है। उदाहरण सेल्बिनिया। पत्तियों के द्वितीयक कार्य लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए पत्तियां बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा अंडप में रूपांतरित हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कैरिका पपाया में पर्ण वृंत खोखला एवं नलिकादार होता है। विक्टोरिया अमेजोनिया की पत्ती का व्यास सर्वाधिक होता है जो कि लगभग 1.8 मीटर है। रेफिया विनिफेरा की पत्ती सबसे लंबी होती है जो कि लंबाई में लगभग 10 से 15 मीटर तक होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पत्ती तने की एक पार्श्वीय वृद्धि है जो कि गांठ यानी पर्व पर विकसित होती है। पत्ती हरे रंग की होती है तथा प्रकाश संश्लेषण में कार्य करती है। पत्तियों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। पौधे के अन्य भागों की तरह पत्तियां भी अन्य संरचनाओं जैसे प्रतान, ऊपर चढ़ने तथा सुरक्षा के लिए शूल या कांटे आदि में रूपांतरित हो जाती है। परिचय। जड़ों, तनों तथा पत्तियों के गुणों, प्रकारों, रूपांतरणों और कार्यों की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब हम पुष्प क्रम के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पुष्प क्रम को परिभाषित करना, पुष्प क्रम के प्रकारों का पता लगाना, असीमाक्षी पुष्प क्रम का अध्ययन करना,
ससीमाक्षी पुष्पक्रम का अध्ययन करना, ससीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकारों को समझना, एकाकी ससीमाक्ष का अध्ययन करना, एकल शाखित ससीमाक्ष को समझना, द्विशाखित ससीमाक्ष को पढ़ना, बहुशाखित ससीमाक्ष को समझना, पुष्पक्रम के विशेष प्रकारों का अध्ययन करना, साइथियम का अध्ययन करना, पुष्प भ्रमी को समझना, हाइपेंथोडियम का पता लगाना। पुष्पक्रम। पौधे के शिखर पर विशेषीकृत शाखा पर पुष्पों का क्रम व्यवस्था जो कि पुष्पों को धारण करता है पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्पक्रम के अक्ष को पुष्पव्रंत यानी डंठल कहते हैं। कभी कभी पुष्प अकेले बनते पैदा होते हैं। पुष्पों का ऐसा क्रम एकाकी कहलाता है। जब पुष्प शाखा के सिरे या मुख्य तने पर बनते हैं यानी पैदा होते हैं तो उन्हें एकाकी अंतस्थ कहते हैं। उदाहरण गूलर यानी पॉपी। जब पुष्प पर्ण पत्ती के कक्ष पर बनते या पैदा होते हैं तो उन्हें एकाकी कक्षीय कहते हैं। उदाहरण पिटूनिया, हिबिस्कस रोजा, सिनेंसिस। पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, विशेष यानी विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम के मुख्य अक्ष में लगातार वृद्धि की क्षमता होती है तथा यह पुष्प में जाकर समाप्त नहीं होता है। मुख्य अक्ष पर पुष्प अग्राभिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं। पुराने पुष्प आधार की ओर और नए पुष्प शीर्ष की ओर लगे रहते हैं। कभी कभी मुख्य अक्ष छोटा रह जाता है तथा पुष्प गुच्छे समूह बनाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में पुष्प केंद्राभिसारी यानी अभिकेंद्र अनुक्रम को दर्शाते हैं। यहाँ पुराने पुष्प पार्श्व की ओर तथा नए पुष्प केंद्र की ओर लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है तथा पुष्प वृंत यानी डंठल की वृद्धि रुक जाती है। पुष्प तलाभिसारी अनुक्रम को दर्शाते हैं। पुराने पुष्प शीर्ष पर जबकि नए पुष्प आधार की ओर लगे रहते हैं। जब पुष्प गुच्छों में व्यवस्थित होते हैं तो वे केंद्राभिसारी यानी अभिकेंद्री होते हैं। इसमें पुराने पुष्प केंद्र की ओर तथा नए पुष्प पार्श्व की ओर लगे रहते हैं। ससीमाक्षी पुष्पक्रम अनेक प्रकार का होता है, एकाकी ससीमाक्ष, एकल शाखित ससीमाक्ष, द्विशाखित ससीमाक्ष, बहुशाखित ससीमाक्ष, एकाकी ससीमाक्ष। यह ससीमाक्षी पुष्पक्रम का सरल प्रकार है जिसमें कि सिर्फ एक ही पुष्प होता है। पुष्प छोटे पुष्प व्रंत यानी डंठल पर अंतस्थ या कक्षीय अवस्था या स्थिति में हो सकता है। उदाहरण थेस्पेसिया। एकल शाखित ससीमाक्ष। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्प व्रंत पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है। समान रूप से पुष्पव्रंत यानी डंठल की एक शाखा निम्न स्तर पर विकसित होती है तथा पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। यदि शाखाएं एक तरफ ही उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह के पुष्प क्रम को एकल शाखित घुमावदार ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण हेमेलिया ड्रोसेरा। यदि शाखाएं एकांतरित टेढ़े मेढ़े ढंग में उत्पन्न होती हैं, तो इस तरह के पुष्पक्रम को एकल शाखित यानी कुटिल या कुंडलित ससीमाक्ष कहते हैं। उदाहरण हेलियोट्रोपियम। द्विशाखित ससीमाक्ष। इस तरह के ससीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प वृंत यानी डंठल अपने सिरे पर एक पुष्प निर्मित करता है।
इस प्रकार पुष्पवृंत यानी डंठल स्वतः ही निम्न स्तर पर दो शाखाएं निर्मित करता है। यदि पुष्प क्रम में केवल तीन पुष्प हों, जहां की केंद्रीय पुष्प सबसे पुराना और बराबर वाले पुष्प नए हों, तो इसे सरल द्विशाखित ससीमाक्ष कहते हैं, उदाहरण चमेली। यदि पुष्प क्रम शाखित होता है तो उसे संयुक्त द्विशाखित ससीमाक्ष कहते हैं, उदाहरण क्लेरोडेंड्रॉन और रिटिया, बहुशाखित ससीमाक्ष। इस तरह के ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में जाकर समाप्त हो जाता है। समान रूप से पुष्प वृंत डंठल कई शाखाएं उत्पन्न करता है और प्रत्येक शाखा पुष्प में जाकर समाप्त हो जाती है। पुष्प अपकेंद्री यानी मध्यापग क्रम को दर्शाते हैं, उदाहरण हिमेलिया, विशेष प्रकार के पुष्प क्रम। कुछ पौधे विशेष प्रकार के पुष्प क्रम को दर्शाते हैं, ये निम्न प्रकार के हैं, साइथियम, पुष्प भ्रमी, हाइपेंथोडियम, साइथियम। इसमें पुष्प क्रम बहुत कम या छोटा होता है। यह एक कप के आकार का पात्र धानी है, जो कि पांच सह पत्रों के संलयन से बना होता है। साधारणतः इस कप की सतह पर एक पीले रंग की मरकंद स्रवित करने वाली ग्रंथि उपस्थित होती है। इस कप के केंद्र से एक एकल मादा पुष्प निकलता है। यह बहुत ही छोटा होता है और एक लंबे तंतु पर उगता है। नर पुष्प बहुत छोटे होते हैं और कुटिल या कुंडलित ढंग से प्रत्येक सहपत्र के कक्ष से इनका निर्माण होता है, उदाहरण यूफोर्बिया पुलकेरिमा, पुष्प भ्रमी। पुष्प भ्रमी एक विशेष प्रकार का पुष्प क्रम है जो कि ल्यूकस में दिखाई देता है। इसमें तने की प्रत्येक गांठ पर किसी भी एक तरफ दो कक्षीय विपरीत ससीमाक्षी पुष्प क्रम विकसित होते हैं, हाइपेंथोडियम। इस तरह के पुष्प क्रम में पात्र यानी धानी एक गुहा युक्त गोलाकार हो जाता है। यह एक छोटे से छिद्र के साथ बाहर की तरफ खुलता है। पात्र यानी धानी की आंतरिक सतह से अनेक छोटे अवृंत पुष्पों का निर्माण होता है। ये पुष्प तीन प्रकार के होते हैं, नर पुष्प, मादा पुष्प और अनुपजाऊ यानी बांझ मादा पुष्प चंद्रकांति, उदाहरण गूलर यानी फाइकस। क्या आप जानते हैं, अमॉर्फोफेलस भारत का सबसे बड़ा पुष्प क्रम है। पुया रेमोंडी 32 फीट विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्रम है। दल युक्त सहपत्र बोगेनविलिया में पाया जाता है। कोएनेंथियम खुला हाइपेंथोडियम होता है। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पुष्प विभिन्न प्रकार के पुष्प क्रमों में व्यवस्थित होते हैं। पुष्प क्रम के अक्ष को पुष्प वृंत यानी डंठल कहते हैं। पुष्प क्रम फूल गोभी का खाने योग्य हिस्सा होता है। सिंकोनस एक संयुक्त अथवा बहुल फल है जो कि हाइपेंथोडियम पुष्प क्रम से विकसित होता है। अनानास तथा जिमीकंद ऑटोकॉर्पस में सहपत्र तथा परिदल पुंज खाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑसिमम यानी तुलसी में पुष्प भ्रमी प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। समानांतर विन्यास तथा ससीमाक्ष अथवा पुष्प क्षत्र युक्त अरीय पत्तियों का साधारण गुच्छा लिलियेसी कुल के लक्षण हैं। ग्रामिनी ग्रामिनी कुल में कनिष्का यानी स्पाइकिका पुष्प क्रम होता है। परिचय। अर्चिता, क्या तुम्हें पता है, जब हम किसी पौधे का अवलोकन करते हैं तो देखते हैं कि प्रत्येक पौधे में जड़, तना और पत्तियां होती हैं। पौधों में पुष्प और फल भी होते हैं। हाँ,
हम जड़, तना, पत्ती और पुष्प क्रम के लक्षणों, प्रकार, रूपांतरणों और कार्यों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम पुष्प का अध्ययन करेंगे, तो आप शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पुष्प के लक्षणों को जानना, पुष्प के प्रकार जानना, पुष्प के भागों का अध्ययन करना, दलपुंज यानी कोरोला के प्रकार की पहचान करना, पुष्प दल विन्यास समझना, पुमंग के लक्षणों को जानना, पुंकेसर के भागों का अध्ययन करना, पुमंग के प्रकार जानना, पुंकेसरों के ससंजन को जानना, पुंकेसरों के आसंजन का अध्ययन करना, तंतु से परागकोश के संयोजन को समझना, जायांग के लक्षणों को जानना, जायांग के भागों का अध्ययन करना, जायांग के प्रकार जानना और बीजांडान न्यास समझना। पुष्प। पुष्प एंजियोस्पर्म की जनन संरचनाएं हैं। एक पुष्प को रूपांतरित कायिक प्रारोह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो लैंगिक जनन के लिए होता है। पुष्प में बहुत छोटा अक्ष होता है, जिस पर विभिन्न भागों के चक्र लगे होते हैं। प्रायः पुष्प पत्राभ कहलाने वाली रूपांतरित पत्ती के कक्ष में निकलता है। जब पत्राभ पुष्प वृंद के आधार पर उपस्थित होते हैं, तो पुष्प सहपत्री कहलाता है। जब पुष्प पुष्प वृंत कहलाने वाले वृंत का बना होता है, तो ये संवृंत कहलाता है। जब पुष्प वृंत अनुपस्थित होता है, तो पुष्प अवृंत कहलाता है। पुष्प के प्रकार। पुष्पासन और पुष्प के अन्य भागों की स्थिति के आधार पर पुष्प तीन प्रकार के होते हैं। अधोजायांगता यानी हाइपोगाइनस, परिजायांगता यानी पेरिकाइनस और अधिजायांगता यानी एपिकाइनस। हाइपोगाइनस। पुष्पासन ऊपरी फूला हुआ भाग है और जायांग पुष्पासन के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित होता है। अन्य पुष्पीय भाग अर्थात कैलिक्स, कोरोला और पुमंग जायांग के नीचे स्थित होते हैं। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है, यह आद्य के रूप में माना जाता है। पेरिकाइनस। पुष्पासन चपटा या प्याले के आकार का होता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग प्याले के सिरे से जुड़े होते हैं और जायांग मध्य में होता है। अंडाशय आधा अधोवर्ती होता है, ये हाइपोगाइनस और एपिगाइनस के बीच मध्यवर्ती के रूप में माना जाता है। एपिगाइनस। पुष्पासन एक गहरे प्याले के आकार का होता है और प्याले के किनारे अंडाशय की भित्ति से संलग्न हो जाता है। कैलिक्स, कोरोला और पुमंग अंडाशय के शीर्ष पर निकलते हैं। अंडाशय अधोवर्ती होता है, इसे काफी उन्नत अवस्था माना जाता है। पुष्प के भाग। प्रत्येक पुष्प में सामान्यतः चार पुष्प चक्र होते हैं, जैसे कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जयांग। आइए इन सभी की एक एक करके विस्तार से चर्चा करें। वाहे दलपुंज यानी कैलिक्स। कैलिक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई को वाहे दल कहते हैं। प्रायः वाहे दल हरे पत्ती जैसे होते हैं और कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। कैलिक्स संयुक्त वाहेदली यानी जुड़े हुए वाहेदल या पृथक वाहेदली यानी मुक्त वाहेदल होते हैं। दलपुंज यानी कोरोला। कोरोला दलों का बना होता है, यह पुष्प का द्वितीय चक्र है। दल प्रायः चमकीले रंगीन होते हैं, जो परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैलिक्स की तरह कोरोला भी मुक्त यानी
पृथक दली या जुड़े हुए यानी संयुक्त दली हो सकते हैं। पौधों में कोरोला की आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होता है। कोरोला नलिकाकार, घंटाकार, कीप के आकार का तथा चक्राकार हो सकता है। कोरोला के प्रकार। नलिकाकार दल एक नली जैसी संरचना बनाते हैं, उदाहरण कंपोजिटी। क्रॉस रूपी, इस प्रकार के कोरोला में चार मुक्त नखरित दल एक क्रॉस के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उदाहरण क्रूसी फेरी। पेपिलियोनेसियस यानी मटरकुलिये, पांच मुक्त दल एक तितली के समान व्यवस्थित होते हैं, वे वैग चिलेरी प्रकार के विन्यास में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें बड़ा दल मानक या ध्वज, दो पार्श्वीय दल यानी पंख और दो भीतरी संयुक्त एवं नौकाकार दल यानी कूटक होते हैं, उदाहरण पेपिलियोनेसी। जीविकाकार कंपोजिटी के अर पुष्पक जीवा के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उदाहरण सूरजमुखी। पुष्प दल विन्यास, पुष्प कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों सापेक्ष बाह्य दलों या दलों के लगे रहने के क्रम को पुष्प दल विन्यास कहते हैं। मुख्य प्रकार के पुष्प दल विन्यास कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक जिलेरी हैं। कोर स्पर्शी विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाइयां केवल एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, लेकिन अतिव्यापन नहीं करती, उदाहरण कैलोट्रोपिस, इसे कोर स्पर्शी कहा जाता है। व्यावर्तित विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की इकाई का एक किनारा अतिव्यापित होता है और दूसरा किनारा अगली इकाई पर अतिव्यापन करता है, जो ये पुष्प दल विन्यास व्यावर्तित कहलाता है, उदाहरण गुड़हल, भिंडी तथा कपास आदि। कोर छाती विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की एक इकाई के दोनों किनारे अतिव्यापित हो जाते हैं और दूसरी इकाई के दोनों किनारे बाह्य और शेष प्रकृति में व्यावर्तित होते हैं, तो ये पुष्प दल विन्यास कोर छादी कहलाता है, उदाहरण केसिया और गुलमोहर आदि। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, आरोही कोर छादी और अवरोही कोर छादी। आरोही कोर छादी विन्यास तब होता है जब पश्च इकाई आंतरिक होती है और पार्श्व इकाइयों द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं, जिसमें अपनी संलग्न इकाई अग्र इकाइयों द्वारा अतिव्यापित की जाती हैं, उदाहरण सीजल पिनियोडी। अवरोही कोर छादी और वैक जिलेरी विन्यास मटर और सेम के पुष्पों में पाया जाता है। इनमें पांच दल होते हैं, सबसे बड़ा दल मानक दो पार्श्व दलों यानी पंख को अतिव्यापित करता है, जिसके बाद ये दो सबसे छोटे अग्रदल यानी कूटक को अतिव्यापित करते हैं। इस प्रकार का पुष्प दल विन्यास वैक जिलेरी या पेपिलियोनेसियस कहलाता है। पंचक विन्यास तब होता है जब कैलिक्स या कोरोला की दो इकाइयों के किनारे दोनों बाह्य होते हैं और दो इकाइयां आंतरिक तथा शेष एक इकाई का एक किनारा आंतरिक तथा एक किनारा बाह्य होता है, तो ये पंचक कहलाता है, उदाहरण सीडियम और प्यूनिका इत्यादि। पुमंग, ग्रीक भाषा में एंड्रोशियम यानी पुमंग शब्द का अर्थ एंड्रस, ओइकिया यानी पुरुष का घर है। पुमंग नर जनन अंग है और पुष्प का तीसरा चक्र बनाता है। ये अनेक पुंकेसरों का बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर में तंतु तथा इसके शीर्ष पर एक पराग कोश होता है। प्रत्येक पुंकेसर एक वृंत या
एक तंतु और एक पराकोष का बना होता है। प्रत्येक पराकोष प्रायः द्विपालक होता है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक पराकोष होते हैं। पराकण पराकोष में उत्पन्न होते हैं। एक बंधे पुंकेसर स्टेमिनॉइड कहलाता है। पुंकेसर के भाग। एक विशिष्ट पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, तंतु, पराकोष और संयोजी। प्रत्येक पुंकेसर में प्रायः एक वृत्त होता है जो तंतु यानी लैटिन शब्द फिलम यानी सूत्र कहलाता है। पुष्प के भीतर तंतुओं की लंबाई भिन्न भिन्न हो सकती है, जैसे कि साल्विया और सरसों में। तंतु के शीर्ष पर एक पराकोष और लघु बीजाणुधानी कहलाने वाला पराकोष होता है। कोष्ठक और कोशिकाओं के बीच ऊतक संयोजी कहलाते हैं। पुमंग के प्रकार। पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर पुमंग तीन प्रकार के होते हैं, द्विदीर्घी, चतुर्दीर्घी और विषमदीर्घी। जब दो पुंकेसर लंबे और दो छोटे होते हैं तो पुमंग द्विदीर्घी होता है। जब चार पुंकेसर लंबे और दो छोटे होते हैं तो पुमंग चतुर्दीर्घी होता है। जब सभी पुंकेसर अलग अलग लंबाइयों के होते हैं तो पुमंग विषमदीर्घी कहलाता है। पुंकेसरों का ससंजन। पुंकेसर के एक भाग या पूरे पुंकेसर के जुड़ने की दशा पुंकेसरों का ससंजन कहलाती है। ससंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार के होते हैं, संघी, युक्तकोशी और संपुमंगी। जब पुंकेसरों के तंतु आपस में मिले होते हैं और पराकोष मुक्त होते हैं तो पुमंग संघी होते हैं। ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं, एक संघी, द्विसंघी और बहुसंघी। जब सभी पुंकेसरों के तंतु आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोष मुक्त होते हैं तो यह अवस्था एक संघी कहलाती है। उदाहरण, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी गुड़हल। द्विसंघी जब पुंकेसरों के तंतु आपस में मिलकर एक बंडल बनाते हैं और पराकोष मुक्त होते हैं तो ये अवस्था द्विसंघी कहलाती है। उदाहरण, पेपिलियो नेसी। बहुसंघी जब पुंकेसरों के तंतु संलग्न होकर दो से अधिक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था बहुसंघी कहलाती है। उदाहरण, सिट्रस। युक्तकोशी या साइनेंथस जब पुंकेसर के तंतु मुक्त होते हैं और पराकोष आपस में जुड़े होते हैं तो ये अवस्था युक्तकोशी या साइनेंथस कहलाती है। उदाहरण, एस्टेरेसी। संपुमंग जब पुंकेसर के तंतु और पराकोष आपस में जुड़कर एक बंडल बनाते हैं तो ये अवस्था संपुमंग कहलाती है। उदाहरण, कुकुरबिटा। पुंकेसरों का आसंजन। पुष्प के पुंकेसरों का पुष्प के अन्य भाग से संलयन पुंकेसरों का आसंजन कहलाता है। आसंजन के आधार पर पुमंग निम्न प्रकार का होता है, दल लग्न, बाह्य दल लग्न, परिदल लग्न, पुंजायांगी। दल लग्न तब होते हैं जब पुंकेसर दलों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, सोलेनम निग्रम यानी बैगन। बाह्य दल लग्न तब होते हैं जब पुंकेसर बाह्य दल से जुड़े होते हैं। उदाहरण, वर्बेन। परिदल लग्न तब होते हैं जब पुंकेसर परिदल पुंज पालियों यानी परिदल से जुड़े होते हैं। उदाहरण, एस्फोडिडस और टेनिफोलियस। पुंजायांगी तब होते हैं जब पुंकेसर अंडब से जुड़े होते हैं। उदाहरण, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तंतु से पराकोष का संयोजन। अधाबद्ध संयोजन तब होता है जब तंतु
पराकोश के आधार से जुड़ा होता है या अधाबद्ध कहलाता है। उदाहरण, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। संलग्न, जब तंतु आधार से शीर्ष तक पराकोश की पालियों से जुड़ा होता है तो यह संलग्न कहलाता है। उदाहरण, मैग्नोलिया। पृष्ठ लग्न, जब तंतु पराकोश के पीठ से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा होता है तो यह पृष्ठ लग्न कहलाता है। उदाहरण, पैसी फ्लोरा। मुक्त डोली, जब तंतु पराकोश की पीठ पर किसी एक बिंदु पर जुड़ा होता है और पराकोश आसानी से हिलडुल सकता है तो यह मुक्त डोली कहलाता है। उदाहरण, घास। जायांग, जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है और एक या अनेक अंडपों का बना होता है। यह पुष्प का चौथा चक्र है। यह पुष्पासन के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। जायांग या स्त्री केसर एक या अनेक अंडपों के बने होते हैं जो पुष्प का मादा जनन अंग है। अंडप अधर सीवन पर वलित एक रूपांतरित पत्ती है। उपांत आपस में संलग्न होते हैं। मध्य शिरा भाग पृष्ठ सीवन कहलाता है। बीजांड बीजांडासन पर जुड़े होते हैं जो प्रायः अधर सीवन पर विकसित होते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं और अंडाशय परिपक्व होकर फल बन जाता है। जायांग के भाग, अंडप तीन भागों का बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र प्रायः वर्तिका के शिखर पर होता है और ये पराकणों के लिए जनन सतह है। यह अंडाशय के सबसे ऊपर स्थित होता है। यह लंबी बेलनाकार संरचना है जो अंडाशय के ऊपरी भाग से विकसित होती है। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। वर्तिका तीन प्रकार की होती है, अंतस्थ या शीर्षस्थ, पार्श्वीय, गायनोबेसिक यानी जायांगोपारिक। अंतस्थ या शीर्षस्थ वो अवस्था है जब वर्तिका प्रायः अंडाशय के ऊपरी भाग पर स्थित होती है और अंडाशय के सीध में होती है। उदाहरण, सोलेनम, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। पार्श्वीय वो अवस्था है जब कुछ पुष्पों में जहां अंडाशय एक तरफ मुड़ जाता है, इसलिए वर्तिका पार्श्व की ओर से निकलती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण, आम। गाइनोबेसिक अवस्था लेबिएटी में पाई जाती है जहां अंडाशय में चार पालियां होती हैं और वर्तिका पालियों के बीच गड्ढे से निकलती हुई प्रतीत होती है। उदाहरण, ओसिबम सेगमेंटम। अंडाशय जायांग का सबसे निचला फूला हुआ भाग है जिसमें एक या अनेक बीजांड एक चपटे गद्देदार बीजांडासन से जुड़े होते हैं। अंडाशय एक रूपांतरित पत्ती है जो एक कोष्ठकी, द्विकोष्ठकी या बहुकोष्ठकी हो सकते हैं। जायांग के प्रकार, उपस्थित अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग तीन प्रकार के होते हैं, एक अंडपी, द्वि अंडपी या बहु अंडपी। जब जायांग में केवल एक अंडप होता है तो यह एक अंडपी कहलाता है। उदाहरण, मटर, लेग्यूमिनोसी। जब जायांग में दो अंडप होते हैं तो यह द्वि अंडपी कहलाता है। उदाहरण, सोलोनेसी और क्रूसीफेरी। जब जायांग में दो से अधिक अंडप होते हैं तो यह बहु अंडपी कहलाता है। उदाहरण, मालवेसी। अंडपों की स्थिति के आधार पर जायांग दो प्रकार के होते हैं, वियुक्तांडपी और युक्तांडपी। जब एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं तो वे मुक्त हो सकते हैं
और वियुक्तांडपी कहलाते हैं, उदाहरण कमल और गुलाब। जब अंडब जुड़े होते हैं तो वे युक्तांडपी कहलाते हैं, उदाहरण सरसों और टमाटर। बीजांड न्यास। अंडाशय के भीतर बीजांड के लगे रहने का क्रम बीजांड न्यास कहलाता है। बीजांड न्यास विभिन्न प्रकार का होता है, सीमांत, स्तंभीय, भित्तीय, आधारी, केंद्रीय, मुक्त स्तंभीय और परिभित्तीय। सीमांत बीजांड न्यास में जयांग एक अंडपी, बहुअंडपी और वियुक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। बीजांड अधर सीवन पर स्थित बीजांड आसन पर एक या अधिक पंक्तियों में निकलते हैं, उदाहरण लेक्यूमिनेसी। स्तंभीय बीजांड न्यास में जयांग द्वि अंडपी, बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय बहुकोष्ठ की होता है। एक अंडप के किनारे अंदर की ओर निकलते हैं और उसके बाद संलग्न हो जाते हैं, इसलिए अधर सीवन अक्ष के साथ स्थित होते हैं। कोष्ठकों की संख्या अंडपों की संख्या के अनुरूप होती है, उदाहरण मालवेसी। भित्तीय बीजांड न्यास में जयांग द्वि अंडपी या त्रि अंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। कभी कभी यह आभासी पट बनने के कारण द्वि कोष्ठ की हो सकता है। बीजांड आसन आसन अंडपों के संलग्न किनारों पर निकलता है। इस प्रकार बीजांड अंडाशय की परिधि पर निकलते हैं, उदाहरण क्रूसीफेरी। आधारी बीजांड न्यास में जयांग द्वि अंडपी और युक्तांडपी होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। बीजांडासन में अंडाशय के आधार पर स्थित पुष्पासन के सिरे पर विकसित होता है। एकल बीजांड अंडाशय के आधार से जुड़ा होता है, उदाहरण टेकेटिस। मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास में जयांग बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय एक कोष्ठ की होता है। बीजांड अंडाशय के मध्य में अक्ष पर निकलते हैं, उदाहरण डायंथस। बीजांड न्यास स्तंभीय होता है, लेकिन विभाजन भित्ति के टूट जाने के कारण यह मुक्त स्तंभीय हो जाता है। परिभित्तीय बीजांड न्यास में जयांग बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है। अंडाशय बहुकोष्ठकीय होता है। बीजांड विभाजन पट की भीतरी सतह पर निकलते हैं, उदाहरण निम्फिया। क्या आप जानते हैं एस्टिरेसी कुल में पुष्पक्रम मुंडक होता है। कंपोजिटी कुल में पुंकेसर युक्तकोशी होते हैं। क्रूसीफेरी कुल में जयांग द्वि अंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती और एक कोष्ठ की होते हैं, लेकिन ये रीप्लम कहलाने वाले आभासी पट के कारण द्वि कोष्ठ की हो जाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक मानक दो पंख जैसे पार्श्वीय दल और दो कूटक आकार के दल वाला पौधा फाबेसी से संबंधित है। त्रितई एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कोकस न्यूसीफेरा है। द्विसंधि पुंकेसर फाबेसी के लक्षण हैं। चतुर्दीर्घी अवस्था ब्रेसिका कंपेस्ट्रस में पाई जाती है। क्रूसीफेरी कुल में द्वितई पुष्प, छह पुंकेसर, द्वि अंडपी जायांग होता है। त्रितई पुष्प ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय और स्तंभीय बीजांड न्यास लिलियेसी कुल की विशेषता है। पंचतई त्रिज्या सम्मित पुष्प तिरियक पट्ट के साथ
द्वि अंडपी अंडाशय सोलेनेसी कुल के लक्षण हैं। एक पुष्प जिसे केवल एक ऊर्ध्वाधर समतल में दो अर्ध भागों में विभाजित किया जा सकता है व्यास सम्मित कहलाता है। चतुर्दीर्घी पुमंग सरसों में पाया जाता है। संपुमंग अवस्था तंतु और पराकोश दोनों का संलग्न है। साइथियम की पहचान अनेक नर पुष्पों से घिरे एकल मादा पुष्प द्वारा की जाती है और इसमें सभी पुष्पों को आच्छादित करता सहपत्रों का परिचक्र होता है। एक कोष्ठ की पराकोश मालवेसी कुल की विशेषता है। गायनोबेसिक वर्तिका लेमिनेसी कुल की विशेषता है। द्विअंडपी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय सिप्सेला में पाया जाता है। परिधि से केंद्र की ओर पुष्पी अंगों के खुलने का क्रम अभिकेंद्रीय कहलाता है। तुष सहपत्र को निरूपित करते हैं। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। परिचय। हम जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम और पुष्प के लक्षण, प्रकार, रूपांतरण और कार्य की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब हम बीजाणु जनन, युग्मक जनन, परागण, निषेचन, फल और बीजों का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: बीजाणु जनन को समझना, परागण की पहचान करना, निषेचन के बारे में समझना, फल की विशेषताएं जानना, फल के प्रकार जानना, बीज की विशेषताएं जानना, बीज के प्रकार जानना, बीजों के अंकुरण का अध्ययन करना, बीजों की किशोरावस्था का अध्ययन करना, एक प्ररूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण समझना, कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन करना। बीजाणु जनन। बीजाणु जनन बीजाणुओं का उत्पादन है। जननात्मक बीजाणु पौधे, शैवाल और कवक में उनके सामान्य जननात्मक जीवन चक्र के दौरान बनते हैं। प्रसुप्त बीजाणु कुछ कवकों और शैवालों द्वारा मुख्य रूप से प्रतिकूल वर्धन दशाओं की प्रतिक्रिया में बनते हैं। अधिकतर यूकैरियोटिक बीजाणु अगुणित होते हैं और कोशिका विभाजन कुछ प्रकार के द्विगुणित या द्विकेंद्रकों और कोशिका संलयन के द्वारा निर्मित होते हैं। युग्मक जनन। युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित पूर्वगामी कोशिकाएं कोशिका विभाजन करती हैं और परिपक्व अगुणित युग्मक बनाने के लिए विभेदन करती हैं। युग्मक जनन द्विगुणित युग्मक कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अगुणित युग्मक जननीय कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिससे विभिन्न युग्मक बनते हैं। उदाहरण: पौधे सूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकोद्विभ में युग्मक उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के सूत्री विभाजन के बाद अगुणित बीजाणुओं से युग्मकोद्विभ विकसित होते हैं। सूत्री विभाजन और युग्मक जनन के बीच जीवन चक्र में बहु कोशिकीय अगुणित अवस्था का होना पीढ़ी एकांतरण के रूप में जाना जाता है। परागण। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों में पराग को स्थानांतरित किया जाता है, जिससे पौधे निषेचन और लैंगिक जनन में सक्षम होते हैं। परागकण जिनमें नर युग्मक होते हैं अंडब के भीतर मौजूद मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। एंजियोस्पर्म के पुष्पों में अंडब का ग्राही भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। परागण के परिणाम स्वरूप संतति उत्पन्न होती है जो अनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। परागण की खोज क्रिश्चियन कॉनराड स्प्रेंजल ने 18वीं शताब्दी में की थी। निषेचन। परागनलिका बीजांड में नर युग्मकों को अंड कोशिकाओं तक ले जाती है। निषेचन नर और मादा अवयवों का संलयन के कारण भ्रूण का विकास क्रमशः बीज और फल में होता है।
जब किसी पुष्प की अंड कोशिकाएं उसी पुष्प के पराग की नर कोशिकाओं द्वारा निषेचित की जाती हैं, तो यह स्वनिषेचन और दूसरी स्थिति में यह पर निषेचन होता है। फल। फल निषेचन के बाद विकसित पुष्प का पका हुआ अंडाशय है। यदि अंडाशय के निषेचन के बिना ही फल बनता है तो यह अनिषेक जनित फल कहलाता है। फल भित्ति या फल भित्ति और बीज का बना होता है। फल भित्ति शुष्क या गूदेदार हो सकती है। जब फल भित्ति मोटी और गूदेदार होती है तो यह सबसे बाहर की तरफ बाह्य फल भित्ति, मध्य में मध्य फल भित्ति और भीतर की तरफ अंतः फल भित्ति में विभेदित हो जाती है। आम और नारियल में फल को अष्टिल यानी ड्रूप कहते हैं। ये फल एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें केवल एक बीज होता है। आम में फल भित्ति बाहरी पतली बाह्य फल भित्ति, मध्य गूदेदार खाने योग्य मध्य फल भित्ति और भीतरी पथरीली कठोर अंतः फल भित्ति में सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है। नारियल में जो एक अष्टिल फल भी है, मध्य फल भित्ति तंतुमयी होती है। फलों के प्रकार। फल तीन प्रकार के होते हैं, एकल फल, पुंज फल, संग्रथित फल। एकल फल, फल जो एकांडपी या बहुअंडपी युक्तांडपी से विकसित होते हैं, उदाहरण मटर। पुंज फल, फल जो बहुअंडपी व्युक्तांडपी अंडप से विकसित होते हैं, पुंज फल कहलाते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक लघु फल में विकसित होता है और अनेक लघु फल मिलकर समूह बनाते हैं, उदाहरण स्ट्रॉबेरी। संग्रंथित फल, फल जो पुष्प क्रम से विकसित होते हैं, संग्रथित फल कहलाते हैं, उदाहरण अनानास और शहतूत। बीज, एक पका हुआ बीजांड जिसमें भ्रूण को आच्छादित करता है एक सुरक्षात्मक आवरण और खाद्य भंडार होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लैंगिक जनन चक्र में निर्मित एक प्रवर्धन करने वाला अंग। सभी बीजों में सामान्य भाग है, भ्रूण, संचित भोजन और सुरक्षात्मक आवरण। भ्रूण एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष और गेहूं, मक्का में एक बीज पत्र या चना मटर में दो बीज पत्र का बना होता है। यह बीज के अंकुरण पर एक नए पौधे को जन्म देता है। बीजों के प्रकार। एंजियोस्पर्म के बीजों को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, एक बीज पत्री बीज या द्विबीज पत्री बीज। बीज जिनमें केवल एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री बीज कहलाते हैं, उदाहरण मक्का। बीज जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, द्विबीज पत्री बीज कहलाते हैं, उदाहरण निलंबो न्यूसीफेरा। द्विबीज पत्री बीज की संरचना। द्विबीज पत्री बीज में बीज का सबसे बाहरी आवरण बीजावरण होता है। बीजावरण में दो परतें होती हैं, सबसे बाहरी बीज झोल और भीतरी टेगमेन है। नाभिका बीजावरण पर एक क्षत चिन्ह है जिसके द्वारा विकसित हो रहे बीज फल से जुड़े होते हैं। नाभिका के ठीक ऊपर एक छिद्र होता है जो बीजांड द्वार कहलाता है। बीजावरण के भीतर भ्रूण होता है जो एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीज पत्रों का बना होता है। बीज पत्र प्रायः गूदेदार होता है और इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। भ्रूणीय अक्ष के दोनों सिरों पर मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। कुछ बीजों जैसे कि अरंड में भ्रूण पोष द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है जिसमें भोजन संचित करने वाले ऊतक होते हैं। सेम, चना और मटर जैसे पौधों में परिपक्व बीजों में
भ्रूणपोष नहीं होता है और ऐसे बीज अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। उदाहरण चना, एक बीजपत्री बीज की संरचना। एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि ऑर्किड में अभ्रूणपोषी होते हैं। अनाज के बीजों जैसे मक्का में बीजावरण झिल्लीदार और प्रायः फल भित्ति से संलिप्त होता है। भ्रूणपोष स्थूलीय होता है और भोजन का संग्रहण करता है। भ्रूणपोष की सबसे बाहरी आवरण भ्रूण से एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग होता है जो एल्यूरॉन सतह कहलाती है। भ्रूण छोटा होता है और भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। यह एक बड़ा तथा ढालाकार बीजपत्र होता है जो स्कुटलम कहलाता है और इसमें एक अक्ष भी होता है जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। प्रांकुर और मूलांकुर एक चादर से ढके होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। बीजों का अंकुरण। अंकुरण एक बीज में निहित भ्रूणीय पौधे की वृद्धि है जिसके परिणाम स्वरूप नवोद्भिद पौधों का निर्माण होता है। पूरी तरह से विकसित बीजों में एक भ्रूण और अधिकतर पादप प्रजातियों में कुछ भोजन संचित होता है। भ्रूण एक बीजावरण से आच्छादित होता है। बीजाणु से निवोद्भिद पौधे की वृद्धि जैसे कि कवक बीजाणुओं से हाइफी कवक सूत्र की वृद्धि भी अंकुरण है। कुछ महत्वपूर्ण कुलों का विवरण। फाबेसी, यह कुल पहले पेपिलियोनोइडी कहलाता था। यह लेक्यूमिनोसी कुल का उपकुल है। यह सारे विश्व में पाई जाती है। वर्गीकृत स्थान। जगत वनस्पति जगत। उपजगत फनेरोगेम्स। प्रभाग द्विबीजपत्री। वर्ग पॉलीपेटली। श्रेणी कैलिसीफ्लोरी। गण रोजेल्स। कुल लेग्यूमिनोसी। उपकुल पेपिलियोनेसी। कुल फैबेसी। कायिक अभिलक्षण। वृक्ष झाड़ी शाख मूल ग्रंथियों सहित मूल। तना सीधा या आरोही। पत्तियां एकांतर पिच्छाकार संयुक्त या सरल। पर्ण आधार तल्पयुक्त अनुपर्णी। जालिका शिरा विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण। पुष्पक्रम असीमाक्षी। पुष्प उभयलिंगी एक व्यास सममित। कैलिक्स बाह्य दल पांच संयुक्त बाह्य दली कोरछादी पुष्प दल विन्यास। कोरोला दल पांच पृथक दली पेपिलियोनेसियस एक पश्चमानक दो पार्श्वीय पंख। दो अग्र होते हैं जो एक नोतल बनाते हैं। संलग्न पुंकेसर और स्त्री केसर। वैक्सिलरी पुष्प दल विन्यास। उमंग दस द्विसंघी पराग कोश द्विकोष्ठी। जायांग अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती एक अंडपी अनेक बीजांडों सहित एक कोष्ठीय वर्तिका एकल। फल लेग्यूम बीज एक से अधिक अभ्रूण पोषी। पुष्प सूत्र पुष्पी चित्र आर्थिक महत्व। दालें इस कुल से संबंधित अनेक पौधे दालों का स्रोत हैं। उदाहरण पायसम सिटाइवम मटर। सीसर एरियंटम चना। कैचनस कैचन अरहर दाल या तुअर दाल। फैसियोलस मंगो या विग्ना मंगो उरद दाल। फैसियोलस रेडिएटस मूंग दाल। विग्ना सिनेंसिस लोबिया। फैसियोलस वुलगेरिस फ्रेंच या सेम या राजमा। लेंस स्कुलेंटम मसूर दाल।
लेथाइरस सेटाइवस खेसरी दाल, रेशे क्रोटोलारिया जंसिया सन के फ्लोएम से रेशे प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग रस्सी कैनवस जाल बैग बनाने में किया जाता है। खाद्य तेल सोयाबीन यानी ग्लाइसिन मैक्स मूंगफली से खाद्य तेल निकाले जाते हैं। डाई रंग इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया से नील और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से टेसू या ढाक प्राप्त होता है। सजावटी फूल लेथाइरस ओडोरेट्स मीठी मटर क्लिटोरिया टर्नेसिया बटरफ्लाई मटर और इरिथ्रीना कोरल वृक्ष सजावटी पौधे हैं। चारा सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम से प्राप्त होता है। सेलेनेसी यह एक बड़ा कुल है, प्रायः इसे आलू कुल भी कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्र में भी फैले रहते हैं। वर्गीकृत स्थान जगत वनस्पति जगत उपजगत पनेरोगेम्स प्रभाव द्विबीजपत्री वर्ग पॉलिपेटली श्रेणी बायकार्पलेटी गण पॉलीमेनियल्स कुल सोलेनेसी। कायिक अभिलक्षण पौधे प्रायः शाख झाड़ी और छोटे वृक्ष वाले होते हैं। तना शाकीय कभी कभी काष्ठीय वायवीय सीधा बेलनाकार शाखित ठोस या खोखला रोमयुक्त अथवा अरोमिल आलू में भूमिगत तना सोलनम ट्यूबिरोसम। पत्तियां एकांतर सरल कभी कभी संयुक्त पिच्छाकार अनुपर्णी जालिका विन्यास। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पक्रम एकल कक्षीय या ससीमाक्षी जैसे सोलेनम में पुष्प द्विलिंगी त्रिज्या सममित। कैलिक्स बाह्य दल पांच संयुक्त दीर्घस्थायी कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास। कोरोला दल पांच संयुक्त कोरस्पर्शी पुष्प दल विन्यास। पुमंग पांच पुंकेसर दल लग्न। जायांग द्विअंडपी युक्तांडपी अंडाशय ऊर्ध्वर्ती द्विकोष्ठी बीजांडासन फूला हुआ जिसमें बहुत से बीजांड। फल बेरी या संपुट बीज अनेक भ्रूणपोषी। पुष्प सूत्र पुष्पी चित्र। आर्थिक महत्व सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू के कंद में प्रचुर स्टार्च होता है। सोलेनम मेलंजीना बैंगन के फलों में आयोडीन होता है। लाइकोपोर्सिकॉन स्कुलेंटम टमाटर के फल खाने योग्य होते हैं। कैप्सिकम एनम मिर्च मसाले प्रदान करता है। फाइसलिस पेरुवियाना से केप गूजबेरी एक स्वादिष्ट फल प्राप्त होता है। एट्रोपा बेलाडोना जड़ों से औषधि प्राप्त होती है जिसका उपयोग पुतली को फैलाकर नेत्र परीक्षण किया जाता है। दतुरा मेटल और दातुरा स्ट्रामोनियम की पत्तियों और फलों से औषधि निकाली जाती है जिसमें एल्केलॉइड एट्रोपिन होता है। इसका उपयोग नेत्र परीक्षण में किया जाता है। सूखी पत्तियों और फलों से औषधि हायोस्काइमस नीगर हेनबेन प्राप्त की जाती है जिसका उपयोग दमा और काली खांसी के उपचार में किया जाता है। विथाइनिया सेमनीफेरा अश्वगंधा की जड़ों से अश्वगंधा औषधि निकाली जाती है
जिसका उपयोग खांसी और गठिया में किया जाता है। निकोटियाना टोबैकम का उपयोग बीड़ी और सिगरेट में किया जाता है। तंबाकू में दो एल्केलॉइड निकोटीन और एनाबेसिन होते हैं। ये दोनों एल्केलॉइड मादक होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। औषधि के रूप में तंबाकू में शामक और प्रतिउद्वेष्टि प्रभाव होते हैं। पिटूनिया और सेस्ट्रम सजावटी पौधे हैं। लिलियेसी, इसे प्रायः लिली कुल कहते हैं। यह एक बीजपत्री पौधों के लक्षण दर्शाता है। यह सारे विश्व में पाए जाते हैं। वर्गीकृत स्थान जगत, वनस्पति जगत, उपजगत फनरोगेम्स, प्रभाव एक बीजपत्री, श्रेणी कोरोनरी, कुल लिलियेसी। कायिक अभिलक्षण भूमिगत शल्ककंद कॉर्म या प्रकंद सहित दीर्घकालिक शाख। पत्तियां प्रायः आधारीय, एकांतर, रैखिक, समांतर शिराविन्यास के साथ अननुपर्णी। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पक्रम एकल या ससीमाक्ष, प्रायः पुष्पक्षत्र। द्विलिंगी त्रिज्या सममित परिदल पुंज 6-3-3, प्रायः नली में जुड़े हुए, कोरस्पर्शी पुष्पदल विन्यास। पुमंग पुंकेसर 6-3-3। जायांग त्रिअंडपी युक्तांडपी अंडाशय ऊधर्ववर्ती त्रिकोष्ठकी जिसमें अनेकों बीज स्तंभीय बीजांडासन। फल संपुट कभी कभी बेरी। बीज भ्रूणपोषीय पुष्पसूत्र पुष्पी चित्र। आर्थिक महत्व इस कुल के अधिकांश पौधे अच्छे सजावटी पौधे हैं जैसे ट्यूलिपा ग्लोरियोसा लिलियम एलोए रसकस एस्पेरेगस युक्का ड्रासेनिया आदि। एलियम सीपा की पत्तियों के मांसल पत्ती आधार खाने योग्य होते हैं। एलियम सेविटम के शल्क कंद खाने योग्य होते हैं। स्माइलैक्स चाइना स्माइलैक्स की जड़ों से सरसा पारीला निकाली जाती है जिसका उपयोग त्वचा रोग में किया जाता है। कॉलेज कम ऑटोमनेल की कार्म से कॉल्ची सीन निकाली जाती है जिसका उपयोग बहुगुणित को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। एलोए से एलोइन निकाला जाता है जिसका उपयोग त्वचा रोगों में किया जाता है, जबकि एलोए वीरा जूस का उपयोग पाचन संबंधी विकारों में किया जाता है। क्या आप जानते हैं नारियल सिंघाड़ा मूंगफली सुपारी पाइन नट असत्य नट के उदाहरण हैं। कुछ कुकुरी बिट के कड़वे स्वाद का कारण ट्रीटीपिनेस की उपस्थिति है। लोडोएसिया मलडीविका सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा बीज है। ऑर्किड के बीज सूक्ष्म शुष्क और रेत के कणों से हल्के होते हैं। सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीज या तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री हो सकते हैं। वे आकार माप और जीवन क्षमता की अवधि में भिन्न होते हैं। पुष्पी अभिलक्षण पुष्पी पादपों का वर्गीकरण और पहचान का आधार बनाते हैं। इसे कुलों के अर्थ तकनीकी विवरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करके पुष्पी पादप का एक निश्चित अनुक्रम में वर्णन किया जाता है। पुष्प अभिलक्षण को पुष्पी चित्रों और पुष्प सूत्र के रूप में संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है।